बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। वीडियो स्टार्ट करते हैं। CS401 माजरत के साथ के लेट, कुछ एरर से उनको ठीक कर रहा था और अभी तक वो ब्लिंकिंग का इशू हल नहीं हुआ। बाकी वीडियो 90% ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन उस सारे से पहले आप लोगों को कुछ समझा दूँ, ये बुकिंग और स्कैन और इसके रिलेटेड है। पे नंबर कोई होगा 100 के राउंड राउंड वहाँ पे है इसके रिलेटेड, अगर आप देख सकें तो। असल में स्क्रीन को डिवाइड करना था दो हिस्सों में, ये भी कोऑर्डिनेट्स का आइडिया होना चाहिए। कलर्स करने हैं तो वो भी डिफरेंट होंगे। लूप यूज़ करने हैं, राउंड अबाउट नस्टेड लूप है। स्टार प्रिंट करने हैं हाफ स्क्रीन फिर देन, तो उसके लिए भी चार लूप यूज़ होंगे। और आईडी प्रिंट करनी है सेंटर, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता हों। और एट द एंड उन्होंने कहा कि VUID के अलावा हर चीज़ ब्लिंक करनी चाहिए। और इसके साथ इस सर्विस के साथ लिखा भी हुआ है कि ये ब्लिंकिंग जो है वो हाफ स्क्रीन जो फुल स्क्रीन है उसके ऊपर अप्लाई की जाती है, तो कुछ ना कुछ इशू आ रहा है। कोड मेरे पास है ब्लिंकिंग का लेकिन मैंने दिया नहीं। और लास्ट टाइम माजरत के बहुत सारे लोगों को VU आंसर की वजह से उनकी वहाँ से फाइल के साथ मैच हुआ कोड, उन्होंने मेरा सेम कॉपी करके, क्योंकि किसी और ने असाइनमेंट बनाई ही नहीं थी, मेरा अपना जिन लोगों को मैंने कोड खुद टाइप करवाया अपने पास बिठा के तो और बना के दिया फॉरनर्स को सऊदी अरब और दुबई में, और मुझे उनका बहुत दुख है कि उनकी असाइनमेंट में भी नंबर कट गए CS401 के जी VU आंसर से कोड कॉपी। यार बनाया ही मैंने था, किसी और ने बनाया ही नहीं, और ऊपर से फिर सेम टू सेम कॉपी का इशू। मैंने हालांकि लेबलिंग और कमेंटिंग करके दी, VU वालों ने बहुत बुरा किया, तो मुझे उसकी वजह से बहुत उलझन थी कि क्या फ़ायदा बना के देने का कि जी लेबल चेंज है, तो और क्या चेंज करें, कोड चेंज हो सकता है, कोड को मैं कितना चेंज कर दूँ, तो या आप लोगों को कितना चेंज करवा लूँ, लेबलिंग ही चेंज करवानी है। रन करके दिखाया, खुद टाइप किया, रन किया, अपनी स्क्रीन शॉट दी है, तो ये इशू लगाना कि जी आप सारे काइंडली उन्हें ईमेल करें जिन लोगों के नंबर कम हुए कि हमें नंबर पूरे दें, हमने खुद कोड लिखा है रन किया है। ये कोई तरीका नहीं है कि जी कोड सेम है या उस जैसा है, लेबलिंग चेंज की है, तो और क्या चेंज करें, कोड नए सिरे से लिख दें, रजिस्टर चेंज कर दें। और इसीलिए मैंने असाइनमेंट लेट बनाई है कि बजाय किसी और को देने के मैं खुद ही बना के जिनको देनी है मैं दे सकूं। और अभी तक मैंने किसी एक को भी नहीं बना के दी, जो मेरे पास आते हैं उनको भी नहीं, और जो फॉरनर है उनको भी नहीं बना के दी। आप लोगों ने अगर किसी ने बनवानी है आए मेरे पास फेसबुक के ऊपर और वहां से असाइनमेंट का मुझे बताएं। जब भी मेरे साथ धोखा होता है ना मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो इसीलिए आज और इस असाइनमेंट के पीछे भी सारा स्टोरी यही थी कि मेरे माइंड में चला कि कोड ही ना दूं किसी को भी, तो लेकिन फिर ख्याल आता है कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से ऊपर होता है, बजाय मैं चुप करके बैठ जाऊं कोई 0-0 लेके, तो उससे अच्छा है कि कोई 10-15-20 जो भी आते हैं, तो जितनी आप एफर्ट पुट करेंगे तो अच्छी बात है। तो कोशिश की है, होप्स हो कि आपका कुछ मसला हल हो जाए। तो कोड पे चलते हैं। कोड पे जाने से पहले काइंडली अगर आप मेरे लिए एक फेवर कर सके, तो मैंने एक चैनल बनाया हाजी फरूख भुट्टा, ये मेरे बेटे का चैनल है, तो मैं चाह रहा हूँ इसके ऊपर उसकी एक्टिविटीज़ अपलोड करूँ, होप्स हो ये भी रन कर जाए आपकी फेवर से। तो काइंडली अगर अल्लाह का करम हुआ तो आप लोगों की फेवर हुई तो 1000 सब्सक्राइबर आप जल्दी पूरे कर देंगे इसके, ताकि मैं इसके ऊपर वीडियोज डाल सकूं। थैंक यू। चलते हैं जी कोड के ऊपर। तो ORG स्टार्टिंग, ये डायरेक्टिव्स होते हैं, जंप स्टार्ट, और फिर आपने ये जो है वो मैंने DTT रखा है, तो इसका नाम आप काइंडली VID रख लें, VUID रख लें, कुछ चेंज कर लीजिएगा। और ये इसकी डाटा टाइप है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी ID लिखनी है, ये जो है वो इसको बताता है कि यहाँ तक जो है वो स्ट्रिंग यूज़ होगी। इससे आगे यानी ये स्टॉपर लगता है स्टार्ट, और मतलब इसका काम है कि आगे अननोन करेक्टर्स ना शो हों। उसके बाद लाइन नंबर 12 के ऊपर है कि मैंने इसको स्क्रीन विंडोज़ स्क्रॉल अप के लिए इसको यूज़ करते हैं इस सर्विस को, और ये जो है ये कलर्स के लिए होता है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स के लिए होता है,
और ये सर्विस है जिसके अंदर ये 06 का है। और इसी तरह ही फिर नेक्स्ट कुछ लोग मुझे कहते हैं कि आपकी और मेरी लॉजिक बिल्कुल सेम थी, आपको ज्यादा व्यू मिल गए। यार काम करके दिखा दो। मैंने भी पूरी रात जागा था 2 बजे तक 4 दिन पहले, तो मैंने 4 दिन पहले बना ली थी। बस वो ब्लिंकिंग का इशू भी रहता है, उसको मैं अभी तक लास्ट मोमेंट तक देख रहा था और वो रन नहीं हुआ। कोई पता नहीं क्या मैं काम मिस कर रहा हूँ। तो ये जो है जी, करेक्टर प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं इस सर्विस को, और बताते हैं कि जी कहाँ पे हमारा करेक्टर आना है उसके लिए, और पेज नंबर बता देते हैं और कॉलम नंबर रो नंबर बता देते हैं, और फिर हम एक सर्विस स्टार्ट करते हैं जिसमें ये सारा कुछ बताया, और उसके अकॉर्डिंग हम दोबारा अपना लूप चलाते हैं यहाँ से कि ये लूप 5 और 1 तो कितने स्टार प्रिंट करने हैं, और उसके बाद पहला स्टार कितना प्रिंट होगा, और लूप के लिए ये यूज़ किया हुआ है लूप L2। तो ये जो है वो ये कांस्टेंट रहेगा इन दोनों के लिए। इसको मैं और डिफरेंट तरीके से भी बना सकता था, ये मैं दोनों लूप्स के लिए एक ही रख दिया है। AH के अंदर और जो है वो सर्विस ऑन करवाई है, तो इसीलिए ये लूप यहाँ पे N20H को बस सिर्फ ख़त्म करने के लिए यूज़ करते हैं कि ये यहाँ पे एंड हो जाए। और ये लूप 2 के लिए था, इसमें सिर्फ लूप 2 को कॉल करते हैं, और लूप 2 कॉल करके सिर्फ इसको 20H सर्विस को कॉल करता है, जो कि इसको टर्मिनेट करती है, एंड करती है जहाँ पे लूप ने ख़त्म होना है। अदरवाइज लूप 1 ही हैंडल कर रहा है इसको। और यहाँ पे मैंने इसको यूज़ किया, ये कैरी रिटर्न के लिए होता है, ये जो है वो नेक्स्ट लाइन के लिए होता है, इंटरप्रेस होना होता है। उसके बाद ये इंक्रीज SI, तो SI की वैल्यू में इंक्रीज होगा, यानी अगर 1 थी तो अब 2 हो जाएगी, तो 2 स्टार प्रिंट होंगे। डिक्रीमेंट करेंगे BX के अंदर तो वो 5 से 4 हो जाएगा, और जंप नॉट 0 और L1 के ऊपर वो मूव कर जाएगा, वो वापस यहाँ पे आएगा और 2 स्टार प्रिंट कर देगा, और इस तरह ये लूप चलता जाएगा। और जब ये ख़त्म होगा तो मैंने दोबारा लूप लगाया जो कि इसको नेक्स्ट स्टार 5 से 1 की तरफ मूव करवाएगा। तो ये 5 और 5 से स्टार्ट करके, और 5 पहली दफ़ा 5 स्टार प्रिंट करेगा, और ये कैरी रिटर्न और इंटर के लिए यूज़ करेगा, और डिक्रीमेंट BX, तो BX के अंदर वो डिक्रीमेंट करेगा, 4 हो जाएंगे, तो नेक्स्ट टाइम 4 प्रिंट होगा। लेबल चेंज करने हैं आपने ये वाले, ताकि पता नहीं लेबलों से भी उसे फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट वन स्क्रीन का हाफ काम हो चुका है, नेक्स्ट स्क्रीन डिज़ाइन करके इसके ऊपर आपने 0600 और नेक्स्ट कलर्स और कॉलम्स कोऑर्डिनेट्स, तो इस तरह कितनी लाइन आप जाएं ये उसके लिए है। कर लो आप देख के ना, इसको दे दो चैनल के ऊपर कि आप हीरो हैं, और दे दो फाइल्स वे यू आंसर वाले के पास भी हो, और सारे पब्लिश कर दो ताकि सारा का सेम टू सेम कॉपी हो। आप भी सारे, आप सबसे भी गुस्सा हूँ क्योंकि आप सब भी सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करते हैं, तो काइंडली इसको थोड़ा बहुत देखा करें, ध्यान से सर्च करें कि ये रजिस्टर क्या करता है, उसके लिहाज से चलें। ये सर्विस है, ये नेक्स्ट कॉलम और रोज और उस पेज नंबर बताने के लिए है कि ये करेक्टर कहाँ पे प्रिंट होना है। उसके बाद ये करेक्टर स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं, यहाँ पे हमारा मैसेज प्रिंट हो जाएगा, और यहाँ पे ये लूप ख़त्म हो जाएगा। और इन सब को अब आपके सामने मैं रन करके दिखा देता हूँ डॉस बॉक्स, और उसके बाद आपने माउंट करवाना है, माउंट NC जहाँ पे हमारा हो होल्डर पड़ा है, नेसम, और जो मेरी असाइनमेंट का नाम है ASS3.ASM-O-AS3.com। अगर कोई एरर नहीं होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, आगे आपने S3.com इसको कर देना है, तो इस तरह करके ये स्क्रीन आपकी आ जाएगी और सही तरह स्टार प्रिंट हो जाएंगे।
वो 10 लाइन का कोड भी ना है मेरे पास डिस्प्ले, ऐसे करके ना कोई और एमुलेटर लेके उसके ऊपर शो करवा देते हैं, तो 10 लाइन्स का कोड भी आपको मिल जाएगा कि यहाँ से 10 स्टार कैसे प्रिंट होंगे, फिर वो कैसे प्रिंट होंगे। मेरा पहला हाफ हो गया, मेरा सेकंड हाफ वीडियो हो गई, तो चलो तुसी कमा के खा लो भाई। ये नहीं, यहाँ पे इशू है कि ब्लिंकिंग स्क्रीन, वो कह रहा था इसको ब्लिंक नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि स्क्रीन को ना इस लाइन के बाद फिर डिवाइड करना पड़ेगा और उसके बाद जो करेक्टर्स हैं उनको ब्लिंक करवाना पड़ेगा लग रहा है। उसके बाद लाइक ये जो है ना, ये जो लिखा है इसको ब्लिंक करना चाहिए या मैसेज हो, तो मैं तो ब्लिंकिंग का कोड ऐड करूँगा। आप लोगों को ढूंढना जाता है तो आप, बल्कि जिससे बनवानी है वो ढूंढ के आपको दे देगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।